स्वागत है आपका माई किचन रेसिपीज में। आज मैं आप लोगों के साथ एक भुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत जल्दी से बन जाएगी बहुत कम टाइम में। ये है बीन और गाजर का भुजिया, टेस्टी भी है हेल्दी भी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए मैंने ये देखिए 250 ग्राम्स बीन लिया है, उसको इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है, धो लिया, और दो गाजर लिया है उसको भी इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया। इसे हम 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर देंगे। इसमें पानी नहीं रहे, बस धुला हुआ। ये देखिए हो गया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। इसमें 2 चम्मच मैंने तेल लिया है और ये एक सूखी लाल मिर्च इसमें ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही इसमें जो हमारा बॉयल किया हुआ सब्जी है उसे भी हम इसमें मिला देते हैं। ये पकी हुई है 90%, तो इसको टाइम नहीं लगेगा पकने में। इसके साथ इसमें हम हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। इसको हमें कवर करके पकाना है 2 मिनट तक, लो फ्लेम पे पहले कवर कर दें। ये देखिए अब हम फ्लेम को तेज कर दी हूँ मैं, और इसे अब भून लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए पकी हुई है, दिख रहा है। इसमें आधा कटा हुआ प्याज हम डाल देते हैं, प्याज बाद में डालें, पहले डालेंगे तो वो भून जाएगा ज़्यादा। इसको आप कम और ज़्यादा अपने अनुसार भून सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा नहीं भूनती हूँ। देखिए ये करीब करीब इस तरह से हो गया है। इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मिला देते हैं। ये देखिए हमारा भुजिया रेडी हो गया है। आप इसे रोटी के साथ पराठे के साथ एंजॉय करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।